हेलो 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 क्या आवाज बस तो ये तो आते हाँ जी चले बेटा सॉरी स्टार्ट की देगा क्वेश्चन नंबर 2 के लेजेस अपने सामने रखने ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आप क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा मैं अभी आपके सामने लेजेस करता हूँ। सबसे पहले काइंडली जो कल लेजेस बनाए थे एक नजर सामने रखिए सामने क्वेश्चन नंबर 1 करो क्वेश्चन नंबर 1 एक मिनट स्टूडेंट्स अब आपको आवाज ठीक आ रही है कहीं बताइए एक मिनट जरा कहीं बता दें अभी सकत नहीं आवाज जी बेटा कल क्वेश्चन नंबर 1 में जो लेजर्स बनाए थे इसमें नहीं कोई क्वेश्चन किसी का कोई कंफ्यूजन डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बैलेंसिंग कैसे की है जी सर सर जी वो इसमें है ही नहीं सर वो मैं वाकई क्वेश्चन नंबर 1 तू मैं चला कल पढ़ के होंगे ना क्या सर क्वेश्चन नंबर 1 की हद तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को जी यहाँ तो एक भाई बैठे थे कल इधर आज चले आप आगे क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट ये की थी कि जहां नया हेड आ जाए वहां काइंडली आप नया लेजर बनाए अब परचेजेस और परचेज रिटर्न्स में खुद न्यूट्रली बताए को फर्क है परचेज एस पे खत्म होगा परचेजेस और आगे आर से फिर गेम शुरू तो परचेजेस परचेज रिटर्न्स का अलग था सेल सेल रिटर्न्स का अलग था हर अकाउंटिंग हेड का अलग था लेजर में अब अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो कोई इशू नहीं है वो कहीं साथ साथ ठीक कर लीजिए तो मैंने जरा टोटल्स नहीं किए हुए आपने होपफुली टोटल भी किए होंगे तो मेरे साथ पहले जरा फिगर्स मैच कर एक एक लेजर प्लीज इसमें दोबारा बार बार टाइम वेस्ट नहीं कर सकेंगे हम तो साथ साथ रहें किसी जगह कंफ्यूजन है तो वो रिजॉल्व कर लीजिए बल्कि शायद मेरा भी चेक कर लें साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट हो गया आपने बेटा जो क्वेश्चन किया था वो मैं दोबारा बताता हूँ तो अभी सबका छोड़ दें कैलकुलेशंस मैं भी करता हूँ आप भी कीजिए जो बन गए पहले वो देखें ये बैंक का लेजर ठीक है मेरा एनी कंफ्यूजन इन द बैंक लेजर मेरी इसकी तरह बैलेंसिंग करवा दो 57,500 टोटल हो गया और डिफरेंस आ गया 22,250 का इसमें डेबिट बैलेंस आ गया डेबिट बैलेंस आ गया क्रेडिट बैलेंस आ गया एनी कंफ्यूजन कैपिटल के लेजर की तरफ आएगा कैपिटल में बेटा एक ही फिगर थी 50,000 50,000 और क्रेडिट बैलेंस बन गया 50,000 परचेजेस का लेजर देखें अब बेटा अगर किसी ने परचेज रिटर्न मिक्स किया हुआ तो आई होप के मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि हर अकाउंटिंग हेड और अकाउंटिंग हेड से मेरी मुराद थी मैंने कल भी आपसे बार बार स्ट्रेस करा था जहां नए वर्ड्स आ रहे अब यकीन स्टार्ट में तो परचेजेस तक सेम है लेकिन रिटर्न्स जिस तरह क्रेडिटर सलमान हसीब ये सब अलग हो जाएगा तो अगर आपने इकट्ठा बना लिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ टेंशन ना लीजिएगा आपने क्रेडिट साइड पे फिगर्स लिखी होंगे उसको काटें और जल्दी से रिटर्न्स बना लें अगर किसी ने बना लिया तब इसमें ऐसे हम बहस करें लड़ें मैंने भी काट दिए तो अगर किसी ने रिटर्न्स बना लिए लादा तो सॉरी इकट्ठा बना लिए तो प्लीज ना बनाए ठीक है कोई नहीं हम वेट कर लेते हैं मीन वाइज मुझे टोटल करवा बाकी देख लें परचेजेस की फिगर ठीक है मेरी 22,500 एंड 33,500 असल में आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि परचेजेस कितनी है परचेज रिटर्न कितनी है तो जहां नया हेड आ जाए प्लीज नया लेजर बना
नहीं बर्ड्स आर देयर एनी कंफ्यूजन फाइनली ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्रेडिटर सलमान देखें साहब क्रेडिटर सलमान के एंट्रीज भी चेक कर लें कोई मेरी मिस्टेक है बता दें मैं मीनवाइल टोटल कर लूंगा 22,500 और इसमें सीडी बैलेंस नहीं महसूस हो रहा ठीक है लेकिन अगर आपने रिटर्न्स का लेजर किसी ने अगर अलहदा नहीं भी फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा बनाया तो जरा क्रेडिटर का लेजर देखें अपना ये परचेज रिटर्न्स तो यहाँ डेबिट साइड पे होंगी आप 1000 तो इवन देन होगा अगर किसी ने परचेज रिटर्न्स अलहदा नहीं भी लिखा बस तो होपफुली सबने लिखा होगा तो ये परचेज रिटर्न्स क्रेडिटर में है डेबिट साइड पे इसका मीनिंग वैसे क्या है परचेज रिटर्न्स क्रेडिटर में डेबिट चीजें वापस करने से लायबिलिटी कम सिर्फ ये जमा तो ठीक नहीं करनी उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है जी क्रेडिट रिसीव देखें नहीं फिगर्स बड़ा कैंडली देखिए अगर मेरी इधर मैंने अभी आपके सामने 5 मिनट में कोशिश की है कि फिगर ज्यादा अगर कुछ लिखते हुए मिस्टेक होगी तो बता दो 11,000 और डिफरेंस 10,250 क्या मेरी तरह सब ने अभी शुरू की है नहीं गलती तो ठीक है कैश का लेजर चेक करें मेरे साथ 9750 2250 का डेबिट बैलेंस है कैश में चेक कर लें मेरा ठीक गलत तो मुझे प्रॉब्लम दोबारा चेक कर 9750 -7500 डेबिट साइड का टोटल है 9750 ठीक है जी ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ठीक है सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा इसमें सारी फिगर्स क्रेडिट साइड का पूरा 25 ये फिगर्स चेक करने चाहता मेरे ख्याल जरा देख मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं मिली कंप्लीट साइलेंस प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स साथ वाला गलती से बैठा आदमी नहीं कभी बैठेगा आपके साथ तोड़ दे बख्श दे उस गरीब को लास्ट मिस्टेक गरीब की सामने 25 ओके बेटा परचेज रिटर्न्स किसी का अगर रहता है बना ले मैं वेट कर रहा हूँ एक मिनट लगा ला किसी ने अगर नहीं लगा बनाया हुआ प्लीज देख के बना लो कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है जो चीजें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं अगर कोई मिस्टेक हो जाए कोई इश्यू नहीं है लेकिन उसको ठीक करें मिस्टेक को ओके जो बना रहे हैं बना ले एक मिनट मेरे को दो परचेज रिटर्न है एक मेरा ख्याल है क्रेडिटर सलमान को क्रेडिटर नसीब को भाई को अपनी देखने दें आप अपनी देखें भाई नहीं मान रहा कि मेरी मिस्टेक है आप उसे कहने तरी है ये चैलेंज आगे परचेज रिटर्न को बना तो नहीं जाके बना रहा तो बता देगा कई तो सारे बना रहे थक गए हैं लिख लिख के फटाफट ऊपर कर देता हूँ डेटर वसीम सर डेटर वसीम को सेल हुई पहले और फिर 3500 की सेल रिटर्न हुई इसमें डेबिट बैलेंस आएगा 6250 ठीक है सर मशीनरी का 20,500 अब ये दोनों ट्रांजेक्शन में आपने मशीनरी के नाम से डेबिट किया हुआ तो मशीनरी डेबिट इकट्ठा हो गया तो 20,500 चलता जाओ डेटर मुनीब 3500 सेल हुई 250 की रिटर्न हुई 5250 का उसका सीडी बैलेंस आ गया इज इट अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस 5250 डेबिट क्रेडिट ये सारी को लास्ट लाइन में बता दे लास्ट लाइन से डेबिट क्रेडिट लास्ट लाइन में आप ही 5250 डेबिट बैलेंस है डेटर मुनीब में या क्रेडिट बैलेंस 5500 सॉरी
सही बताया है साथ वाले। अगला भी बता देना मित्र, देखो कैलकुलेटर उठाए, सेल रिटर्न्स का टोटल बता। बेटा प्लीज साथ साथ पढ़े, डेली पढ़े, गेम ओवर ना हो जाए। 3750 डेबिट बैलेंस। फाइनली क्रेडिटर लुकमान में तो एक ही फिगर है, 6750। मैं एक दफा जरा सारे डेबिट बैलेंसेस दोबारा बोल रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस फ्रेंडली जरा खामोशी से चेक करें, और बल्कि सुनिए भी मैं किसको डेबिट बोल रहा हूँ किसको क्रेडिट। बैंक में 22,000 का डेबिट बैलेंस है। कैपिटल में फाइनली टिक कर लें, चेक कर लें, कैपिटल का 50,000 क्रेडिट बैलेंस है। परचेजेस में 33,500 का डेबिट बैलेंस है, 33,500 ही है। क्रेडिटर सलमान में कोई बैलेंस नहीं है, टोटल को बैलेंस नहीं कहते, डिफरेंस अगर है सीडी के साथ लिखा हुआ वो बैलेंस कहलाता है। हसीब का क्रेडिट बैलेंस है 10,250, कैश में 2250 डेबिट बैलेंस है, सेल्स का 25,000 क्रेडिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न्स का 1750 कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेटर वसीम का 6250 डेबिट बैलेंस है, मशीनरीज का डेबिट बैलेंस है, डेटर मुनीब का 5250 डेबिट बैलेंस, सेल रिटर्न्स में भी डेबिट बैलेंस, और फाइनली क्रेडिटर लुकमान में 6750 क्रेडिट बैलेंस है। डन है सबका। अच्छा सर जी, शायद क्वेश्चन नंबर 3 भी था और 4 मैंने आपसे शायद कहा था, रहने दीजिएगा। अब इससे करें जरा एक मिनट यहाँ रुक के, ये दो जो क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इनकी बेस पर जरा बात को कंप्लीट करना, एक नया पेज निकालना। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ है तो मैं भी डिस्कस करता हूँ। मैं छोड़ दें जहां भी है, छोड़ दें बात जरा यहाँ तक जो की है इसको फाइनल कर लूंगा। बोर्ड पे देखिए कितना हमारी डिस्कशन बड़ा यहाँ तक पहुंची है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में तो इनिशियली उस ट्रांजैक्शन को कहाँ लिखा जाता है, जर्नल में अकाउंटिंग एंट्रीज की फॉर्म में लिख दिया जाता है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट डेट वाइज लिख दिया जाता है। जर्नल से क्या बनता है, लेजर्स बनते हैं। लेजर्स में जर्नल से फिगर्स ट्रांसफर होती हैं और देन लेजर्स का फिर बैलेंस करके या डेबिट बैलेंसेस आ जाते हैं और या क्रेडिट बैलेंसेस, और ऑब्वियसली कुछ लेजर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो वैसे ही टोटल सेम हो जाए और बैलेंस ना आए, ऐसे हो सकता है। तो जब बेटा लेजर्स बन जाते हैं तो फिर आखिरी चीज यहां तक एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो इसको जरा कंडी नए पेज पर दोबारा नोट कर लो। अभी ट्रायल बैलेंस क्या चीज है इसको फिर डिस्कस करते हैं। ट्रांजेक्शन सबसे पहले जर्नल में, जर्नल से लेजर्स और लेजर से ट्रायल, ये सीक्वेंस आपने हमेशा जहन में रिटेन रखना है। नोट कर लीजिए। अब ट्रायल बैलेंस सारी स्टोरी में सबसे आसान चीज है, आप इससे करें बस यही रहेगा कि अपने लेजर्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरह देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के लेजर्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 के लेजर्स सामने रखें। ट्रायल बैलेंस को सारी सिंपली अब ये करना है, इन लेजर्स में जो बैलेंसेस आ गए हैं उनको समराइज फॉर्म में लिखना। टोटल्स की बात कर रहा हूं या बैलेंसेस की, तो सिंपली बस ये करना है, दो मैं लिखूंगा बाकी इंशाल्लाह आप खुद बनाएंगे। जैसा करना चाहिए दो आप लिखवा दें बाकी फिर आप इंडिविजुअली लिखिएगा। वंस अगेन मैं अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में इस तरह से वर्किंग करूंगा।
तो वी आर इन क्वेश्चन नंबर वन। इसमें कौन सा नेट लगा हुआ, इसका नेट कौन सा, जस्ट टेक इट। चल तो गया वैसे, लेकिन चेक कर लेते हैं। नहीं मेरा ये सही नहीं लग रहा, ये भी यहाँ दूसरा ही चला, तो ट्रांसफर नहीं होगा। सही कहा, ये सर ट्रायल वाले, सर ट्रायल बैलेंस बोर्ड में देखें, लेजर्स निकालनी सर। मैं ट्रायल बैलेंस में सर जी सिर्फ तीन कॉलम्स होते हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग हेड्स, अकाउंटिंग हेड्स लिखने के बाद आप नेक्स्ट टू कॉलम्स में एक डेबिट कॉलम हो जाएगा और एक क्रेडिट, एब्रीविएशन से यूज हुआ सर। तो करना बड़ा सिंपली ये है कि जिन लेजर्स में बैलेंसेस मौजूद हैं, जिन लेजर्स में बैलेंसेस मौजूद हैं उनको लिखें। लाइक पहला क्वेश्चन नंबर वन हो रहा है, कैश के लेजर में कोई बैलेंस है, बैलेंस बैलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट सीडी सीडी, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, इसके सारी बस इससे एक लिस्ट बनानी है। अगर डेबिट बैलेंस है किसी लेजर में तो डेबिट कॉलम में लिखना, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में। तो बताएंगे कैश का कितना बैलेंस है, 590,000, डेबिट कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। कैपिटल एक लिखवा दें, कितना बैलेंस है, 1,10,00,000, क्रेडिट कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, एक और लिखवा दें, बैंक में कितना बैलेंस है, 39,00,000 किस कॉलम में लिखो, बनाना शुरू करें। तो डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिख लेना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर किसी लेजर में बैलेंस ही नहीं होगा तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, शुरू हो जाए कंप्लीट कर, प्लीज आगे पीछे ना हो तो बेहतर है, हो जाए तो कोई इशू नहीं सर, यकीन माने नहीं लिखने की जरूरत, उस हेड को ही नहीं लिखना। ऑनलाइन स्टोर से बड़ा समझ आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ट्रायल बैलेंस की समझ आ गई, प्लीज एक दफा बता दो। तो इसका मकसद सिर्फ ये कि जो बैलेंसेस आ गए हैं उनको बस लिस्ट डाउन कर लिया जाए, ताकि किसी एक पेज पे समरी सी बन जाए।
ठीक है ओके ना। लोन फ्रॉम इंजमाम डेबिट बैलेंसेस डेबिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम, मशीनरी $60,000, ऑफिस इक्विपमेंट $5,50,000, क्रेडिटर शहबाज में बैलेंस नहीं है तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना नाम ना बैलेंस, ऑफिस मशीनरी 5 लाख, क्रेडिटर समीर $5 लाख क्रेडिट बैलेंस, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं पड़ा लिखने के बाद, जरा मेरा चेक करना है मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं। बेटा जिसका बैलेंस नहीं है प्लीज उसको लिखने की जरूरत नहीं। क्रेडिटर शहबाज में कितना बैलेंस है, क्या टोटल मींस बैलेंस है, डिफरेंस मींस बैलेंस है? अगर बैलेंस ही नहीं है तो ना वो डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो लिखना ही क्यों है, लिखने की जरूरत ही नहीं। ये लिख लिया बेटा सबने, अगर बेटा लिख लिया तो आप कैलकुलेटर उठाए, कैलकुलेटर के बगैर यूजलेस है ये बहस। डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल कर, डिस्टर्बेंस खत्म करने से सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल कीजिएगा सर, ₹56 लाख में 5,90,000 प्लस 39 लाख प्लस 60,000 प्लस 5 लाख 50,000 प्लस 5 लाख, प्लीज टोटल कर गलती मिस्टेक ना करें सर, 56 लाख में जो आ रहा बता दो प्लीज, 56 लाख जी सर, 56 लाख क्रेडिट कॉलम का टोटल 56 लाख। अब बच्चों पता नहीं उठ उठ के क्या देख रहे सर, नहीं है तो नहीं है, मतलब आप बताएंगे तो मैं लिखूंगा 60 लाख। कैलकुलेटर पे जीरो दबाएं, 3-4 दफा जीरो दबाते हैं, ऑन ऑफ करके दोबारा ऑन करा, मेरी तरफ से पीछे 2-3 लगाए, 10 लाख लिखे, 10 लाख लिखे, 41 लाख लिखे, पूरा हो गया 51 लाख, जमा 5 लाख, 61 लाख, रहने दें 56 लाख, बड़ा 5 लाख है क्या हो, ये तो वैसे गिन लेते हैं, 10 लाख जमा 41 लाख 51 लाख प्लस 5 लाख, तो बनी के लिए छोड़ कर करो, और बेटा 10 लाख स्पेल पूरे जीरो सही कर यार, एक लिख रहा 6 जीरो लगाने, 1, 2, 3, 4, 41 लाख के 5 लगाने, 41 लिख के 5 लगाने, 1, 2, 3, 4, 5 जमा 5 लाख के 5 लिख के बाद 5 जीरो, 5 जीरो
गिन के जीरो लगा ले तो आ के लिए दस लाख करो नहीं करो दस लाख मिल आ गई ये निकाल लो और करो पुलिस कितना आया सर अब तो बता दो बट ये कैसे हो सकता है कि डॉक्टर है हम यार ऑफिस इक्विपमेंट का कौन सा बैलेंस है सर डेबिट बैलेंस है 5 लाख यार पांच पचास डेबिट बैलेंस है ये बेटा 56 लाख आ गया सर 56 लाख आ गया सर अब ये सर ये क्रॉस चेक है फाइनली हम जहां तक पहुंचे हैं हमारी सारी वर्किंग का चेक ये है कि अगर हमने जर्नल सही बनाया होगा आगे बोले लेजर सही बनाए होंगे मींस ट्रांसफर अमाउंट सही की होगी बैलेंसिंग सही की होगी और फाइनली हमने ट्रायल बैलेंस में सही डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए अगर ये सब कुछ सही है जर्नल लेजर ट्रायल तो इंशाल्लाह ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आया करेगी सबको समझ आ गई बात अब क्वेश्चन नंबर टू का जल्दी से ट्रायल बैलेंस खुद से बनाए कंप्लीट साइलेंस और प्लीज डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं मिस्टेक नहीं करें देख लें अगर आधे से ज्यादा पेज है तो यूज कर लें अगर थोड़ा सा रह गया तुम्हारा बेहतर ये कि साफ सुथरी फिगर्स आपके सामने आ रही फिलहाल अब बोर्ड से बड़ा देखने की जरूरत नहीं है कंड अपना ढूंढें लेजर्स अभी आपने कहा है कि हमने बना लिए हैं देखे भी आप लोगों ने तो प्लीज खामोशी से इंडिविजुअली पोस्टिंग करें बैलेंसिंग करें ये नहीं सर बस एक मिनट बैंक 222250 कैपिटल 50,000 Purchases 33,000 creditor Salman लिखने की जरूरत रहेगी बैलेंस नहीं है तो सिंपली इग्नोर creditor Haseeb 10,250 कैश 2250 सेल्स 25,000 अपना अपना बेटा लिखें बाद में फिर बोर्ड से देखेंगे पहले अपना कंप्लीट करें कोई इशू नहीं है गलती का कोई इशू नहीं है करेंगे तो पता चलेगा बाद में मिस्टेक अगर मेरी होगी मुझे बता दीजिएगा परचेज रिटर्न्स 1750 परचेज रिटर्न्स 1750 डेटर रिसीम 6250
6250 मशीनरी 20,500 जी फजल साहब, जब मैं फिगर्स दिखा रहा था बेटा उस वक्त आपके पास टाइम नहीं था, अब डेफिनेटली बाद में अपने हाथ से करना, और बाद में फिर आपने कहना मुझे बताया भी नहीं जा रहा। जब मैं बार बार कह रहा था फिगर्स देख लें, उस वक्त आपने कोई जिक्र नहीं किया इस चीज का, तब आपकी ख्वाहिश ये है कि आपकी मिस्टेक्स इस वक्त आइडेंटिफाई हो। डेटर मुनी 5250 सेल रिटर्न्स 3750 क्रेडिटर लुकमान 6750 अब जिन्होंने कर लिया कांडी, जरा एक नजर मेरी फिगर जरा देख लीजिएगा, कोई मेरी मिस्टेक है पहले बना लें, देन फिर चेक कर लीजिए। जी पंडित 500 ठीक है सर, ना ठीक है 20,500 जी फाइनली अगर फिगर्स ठीक है मेरी टोटल करें, आप भी टोटल करें। या क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रायल और लेजर और ट्रायल बना दें। 4 हमने मेजॉरिटी ने नहीं किया होगा, मैंने कहा भी नहीं था, तो मैं भी इसलिए करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो आपने भी शायद मैंने कहा नहीं था, तो जिन हजरात ने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक हो गया ना सबका, चले 4 के लेजर्स बनाए और फिर वहां से ट्रायल बनाया था। 10-15 मिनट हमारे पास है, कंप्लीट साइलेंस, न्यू पेज फॉर क्वेश्चन नंबर 4 लेजर, और जब लेजर्स बना के बैलेंसिंग कर लेंगे तो वहां से फिर एक ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना। कंप्लीट साइलेंस, टेक इट एज अ प्रैक्टिस। जर्नल सामने रखें क्वेश्चन नंबर 4 का और लेजर स्टार्ट होगा। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कोई मसला है तो बता दें, कोई लिख रहा तो जल्दी से लिख के बता दें। सर जी दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें, सर वर्किंग शुरू करें। तो 30,500 है ये बड़ा लेजर बना हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा प्लीज आप लोग टाइम पे आया करें, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। मैंने इतना टाइम पहले लगाया लेजर्स में, आप फिर वही क्वेश्चन है, अपनी बड़ा फिगर साथ मैच किया करें प्लीज। 3 फिगर्स है, 33,500 इसका टोटल बनता, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में। रिटर्न्स का लेजर अलहदा बनना है, वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि लिख लें, बनाए 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 अपना, कहाँ से देख के बना रहे हैं जनरल से, बिल्कुल ठीक है। ये अपना क्वेश्चन पेपर तरह दीजिएगा, क्वेश्चन वाला पेज जरा
असवन यार साहब, खुदा के लिए अगर कोई गलती से हेड लिख लें उसको एक लाइन लगा के काट के गेम खत्म करें। असवन यार साहब ना करें सर, अगर गलती हो जाए, इंसान है हम सारे, मिस्टेक हुई, एक लाइन लिखे, एक लाइन लगाई, खत्म हो गई बात। ये परचेज का बैलेंस बड़ा फाइनल है, आप कहते हैं कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से बात करूं, परचेज का बैलेंस अब फाइनल है प्लीज 33,500। आप नहीं बेटा कर रहे, आप लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट टाइम मेरे ब्लैक शर्ट में बैठे जी। क्वेश्चन नंबर 4 आप नहीं कर रहे, कर रहे?
ये जस्ट एक मिनट से कंप्लीट करो। इधर वन कॉपी हो गई, दूसरा भी ले लेता। ये चले पर एक मिनट पहले वो कंप्लीट करो।
कंप्लीट कर लिया सर? नींद आ गई रास्ते में? नींद तो नहीं है? बैलेंसिंग भी करनी है और ट्रायल भी बनाना है, कंप्लीट वाइंड अप करना। बेटा मेरी मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही कि मैं बोल ही नहीं रहा। आप कंप्लीट करें मैं क्वेश्चन। ट्रायल कितना टोटल आया सर? अब जिनमें क्वेश्चन नंबर 3 किया बेटा, अगर फारिग हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 हो गए तो 3 का ट्रायल भी बना लो। मैं दिखाता हूँ अभी, अब अपना कंप्लीट कर दिया, अभी मैं दिखा देता हूँ सर। अब आप अपना ट्रायल बैलेंस पहले फाइनल कर लो। हाँ फिर एक मिनट है, अगर ट्रायल टैली नहीं कर रहा जैसे मैं ट्रायल का टोटल मैच ना कर रहा तो कोई मसला नहीं, अभी करना ठीक है। अस्पताल जाते जस्ट मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 भी करना कर ली।
कैश का बैलेंस बताइए, कैश का लगे ठीक है मेरे, पहले फिगर्स देखे मेरे 34290 देख ले सही 34290 परचेजेस क्या बताइए, डिफरेंस है 1.5 नहीं, डिफरेंस खत्म नहीं हो गया इसका, क्रेडिटर अहमद इक्वल नहीं हो गया, आपने उस परचेज रिटर्न नहीं लिखी हुई, मेरा ख्याल बराबर हो गया, देख लो ठीक है सर, ठीक है बेटा, बैंक देखिए किधर, बेटा 35,000 तो पहली फिगर है, 105 कैसे हो सकता टोटल, ओनर ने स्टार्ट ही बिजनेस अगर 1,35,000 रुपए से किया तो टोटल बेटा 105 कैसे हो सकता है, प्लीज फिगर्स तो ठीक करो, 105 नहीं है, एक 1,35,000 प्लस 44,10 प्लीज कैलकुलेटर यूज करें, कंसंट्रेशन से करें, कैलकुलेशन एरर अफोर्डेबल नहीं है, ये बैंक का सीडी क्या है, बैटरी लाही सीडी, जो लोग कर रहे करते रहे अपना करें, अगर किसी ने किया मैं उनसे पूछ रहा हूँ, 3600 सेल्स 3600 बेटा कैसी है, जो हजरात अब करते रहे करनी तरफ, मैंने सामने सीक्वेंस एडजस्ट कर दी, मेरे साथ मैच कर लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पहले दूर कर लीजिएगा, ट्रायल बनाने से पहले लेजर्स फाइनल कर लो, क्रेडिटर अहमद में बैलेंस नहीं है, मैच हो गया होगा,
परचेज रिटर्न नहीं लिखी आपने, चेक कर लें परचेज रिटर्न आपके पास एंट्री ढूंढे 1530 में 14 जून। हाँ बेटा डेटर अहमद है ही नहीं सवाल में, प्लीज डेटर अहमद नहीं है, चीजें रिटर्न की जाती है क्रेडिटर को। 14 जून आपने इसका मतलब मिस्टेक की हुई जर्नल में, जर्नल में ठीक है, जर्नल से गलती चल रही है आपकी। 14 जून जर्नल ठीक है, पहले ये चार देख रहे जो नजर आ रहे हैं, बाकी भी नीचे वाले दिखाता हूँ मैं, कैश का, कैपिटल का, परचेजेस का और क्रेडिटर अहमद फाइनल कर ले, बाकी मैं दिखाता हूँ। आप पहले अपने कंप्लीट करें सारे, अपने लेजर्स पूरे करें, बाद में चेक कीजिएगा। पहले ये बता दें आपके लेजर्स हो गए पूरे, जो लोग अभी लेजर्स बना रहे हैं बैलेंसिंग कर रहे हैं बता दें जरा, नहीं मुझे आइडिया दे देना, मैं ताकि रुक जाऊँ, जिन हजरात ने अभी लेजर्स फाइनल नहीं किए मुझे जरा आइडिया दे दें, बता दें तो कि मेरा 3 ले लेते हैं, लेकिन बता दो मैं कितने, अगर 3 मिनट लीजिएगा बता दें, अगर है तो 3 मिनट बात करेंगे। या जाए सब नीचे तो नहीं कमस्ता किसी ने बना लिया लेजर्स, ये बड़ा जो बना रहे थे बन गए, ये सर ये भाई ने बनानी है, रहते हैं ये अभी कौन रेट बना रहा, चले फिर मैच करने शुरू करें। फर्स्ट फोर कैश कैपिटल परचेजेस क्रेडिटर चेक करें सर, 34,290 कैश का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का 1,35,000 क्रेडिट बैलेंस, साफ सुथरी बेटा वर्किंग करें, बहुत ज्यादा खराब वर्किंग है, ये तो आपको भी बाद में नहीं पता चलना है क्या किया। परचेजेस 37,890 क्रेडिटर अहमद में नील बैलेंस, आगे चलें सर, बैंक का बैलेंस चेक करें, अगर फिगर मैच ना कर रही हो तो मेरे साथ ट्रांजेक्शंस मैच किया करें, बैंक में थे 27,990 फाइनल डेबिट बैलेंस आएगा, कॉमास यूज किया करें फिगर्स लिखते हुए,
बैंकों के 27,990, बैंक 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 डेटे दिलाही 3600, सेल्स 11880, स्टेशनरी 1350, डेबिट बैलेंस चलता जाओ। बैंक वाला देखे सर, बैंक डेटे दाही फाइनल है, सेल नहीं बता देना अगर कहीं मिस्टेक है तो मुझे रोक तो देना, बताए बगैर लगेगा। चलो आगे बैंक से डेटे सर, सेल स्टेशनरी फाइनल करा, सेल स्टेशनरी डेटर इलाही से रिलेटेड दो ट्रांजेक्शन थी, सेल हुई है और देन रिटर्न हुई है। चलो आगे सेल स्टेशनरी परचेज रिटर्न्स और डेटर मसूद देखें, परचेज रिटर्न्स सेल स्टेशनरी डेटर मसूद 11880, स्टेशनरी 1350 डेबिट बैलेंस, डेटर मसूद एक ही सेल है 2610, परचेज रिटर्न्स 1530 है। मसला सर जी सर, ओके जी भाई आप लोगों का हो गया बेटा, लास्ट में डेटर मसूद तक आ गया बेटा। आगे देखें सेल रिटर्न्स व्हीकल्स मोटर एक्सपेंसेस फिक्स्चर्स में दिखा देता हूँ, परचेज रिटर्न्स डेटर मसूद सेल रिटर्न्स व्हीकल्स। सेल रिटर्न 1260 एंड व्हीकल्स 35550, ठीक है यहाँ तक। मोटर एक्सपेंसेस फिक्स्चर्स क्रेडिटर उसामा रेंट एक्सपेंस देखे, जी डी आर आपको स्पेसिफिकली अगर लेजर किसी का रहेगा देखने के लिए, लास्ट फोर के अलावा जी सर जी लास्ट लाइन वाले हजरात लेजर है तो नहीं क्या सारे देखें। चलिए आप बनाए ट्रायल पर, इनका रहेगा ट्रायल बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बड़ा कोई लेते नहीं क्या लेजर, अगर है तो बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ये ठीक है, चले फिर अपना ट्रायल बना। जस्ट एक मिनट बस, आप लोगों ने अगर बना लिया तो क्वेश्चन नंबर थ्री का भी बना लें, क्वेश्चन नंबर थ्री का बनाए ना लेजर्स, लेजर्स अगर बनाए हुए तो बना लें, और अगर नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया हुए क्वेश्चन नंबर थ्री सर, तो लेजर्स बनाए हुए ट्रायल बनाने का बना लें। क्वेश्चन नंबर थ्री के लेजर्स अपने घर से बनाने थे यार, टाइम निकाला करें सर स्टडीज के लिए सर, इंशाल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह निकाल चुके हैं आप लिए अल्हम्दुलिल्लाह, कल निकालेंगे इंशाल्लाह। इधर ट्रायल बैलेंस की फिगर्स दिखाई दे, क्वेश्चन नंबर फोर का ट्रायल बैलेंस खामोशी से बनाए बेटा, आ रहा है सर बेटा, इस तरह ना करें, क्वेश्चन नंबर थ्री का भी इंशाल्लाह ट्रायल मैच हो जाएगा, ना क्या ना करें सर, अगर नहीं मैच हो रहा मिस्टेक है दोबारा देखें, सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन, नहीं मैच हो रहा तो मैच हो जाएगा, चेक करने को फिगर गलत दी होगी आपने, मैं बनाता हूँ फिर आपके सामने। ये लिखवाइएगा जरा क्वेश्चन नंबर फोर का बना लिया ट्रायल फिगर्स दिखाइए, एक मिनट टोटल में फिगर्स
बेटा लिख लेगा, अपना अपना लिखे, रेंट एक्सपेंस लिख लेगा भाई, छोड़ दे भाई। लिखवाएगा तो कैश का कितने? कैश 34290 डेबिट, 34290 कैपिटल 135,000 आगे परचेजेस 37890 डेबिट, 37890 आगे पेन 37990 purchase returns 15 30 credit debtor 2610 debit sales return 1260 sales return 1260 okay vehicles 35,500 okay motor expenses 1350 debit fixtures 1080 आगे क्रेडिटर सामान सेम 1080 बस रेंट एक्सपेंस 2520 डेबिट 159210 ये ट्रायल बैलेंस की फिगर्स मैच करें सर मेरे साथ। लास्ट लाइन तक नजर आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दो, देखिए बताइए नजर आ रहा। पहली फिगर क्या लिखी हुई, क्या ढूंढ रहे भाई, ये नजर आ रहा, ये देखिए नजर आना शुरू होने लगा, आ गया नजर, चेक करें, आ गया नजर, बेटा सेल रिटर्न्स ऑपोजिट डेटर का लेजर है। अब इस वक्त लेजर क्यों दिखाऊं, लेजर बेटा मैंने इतने बार दिखाया, डेटर का लेजर देखें, सेल रिटर्न्स ऑपोजिट सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट प्लीज साथ साथ चले, सेल रिटर्न से ऑपोजिट लेजर डेटर का देखें, क्यों आप लोग साथ साथ नहीं बैठे चल रहे। अब सेल रिटर्न दो हैं, एक सेल रिटर्न जो है पर एक ही डेटर लाही में उसका सेकंड इफेक्ट है, डेटर लाही प्लीज बेटा साथ साथ चले, दिस इज नॉट द वे, ऐसे कैसा पॉसिबल है। ओके प्लीज 1260 ये सारी ट्रायल बैलेंस मैच करें सर मेरे साथ।
फिगर्स 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 देख रहे हैं कोई फिगर गलत तो नहीं जी? जी बैंक वाला कितना? 2999 सॉरी बैंक का 2799 चेक करना सर फिगर्स देख रहे हैं सर सरी साल वाले को छोड़े सर अपना देखिए साल वाले देखो मुस्कुराना शुरू कर दिए सर जी ये तरीका नहीं है बोर्ड पे देखे मैच कर लें फिगर सामने आ गई 90,000 चेक करें कौन सी फिगर गलत है मेरी आपकी अगर गलत है तो आप ठीक कर लो रिकनसाइल करें अगर कैलकुलेशन आ रहा तो किया करें जी सर ठीक है अगर ये फिगर्स ठीक है तो अपना टोटल चेक करें दोबारा कैलकुलेशन एरर होगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की अमाउंट का डिफरेंस ना सर जी मोबाइल पर टोटल हो रहे हैं तो मोबाइल पर हाफ टोटल होना है मोबाइल पर कॉल हो जाए बड़ी बात है ये भाई के पास कैलकुलेटर नहीं बेटा इस भाई के पास मोबाइल है कोई परचेज करना चाहेगा भाई ने कैलकुलेटर लेना तो मोबाइल पकड़िएगा भाई का मोबाइल भी कमाया एक कैलकुलेटर तो लेगा तो पकड़िएगा भाई से तो भाई इस कैलकुलेटर इस मोबाइल के अगेंस्ट अपना कैलकुलेटर बेचना चाहे मैं दिखा दो भाई जान मैं दिखा दो मेरा ख्याल है पूरी क्लास के कैलकुलेटर आ जाएंगे सर जी को खुदा का नाम ले सर ये डियर ट्रायल बैलेंस माइंड अप करें प्लीज दो तीन बातें करनी फिर आप थक जाते हैं ट्रायल बैलेंस फाइनल एक मिनट रहते जी अभी सर इतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं है मेरे भाइयों ये तो वैल्यू शुरू नहीं हुई सर अभी हमारी सर जी शुरू नहीं हो रही गेम शुरू नहीं हो पा रही मेरे भाइयों ये गेम मोबाइल बेच के शुरू करने वाली है मोबाइल बेचें को रब की राह में सदका खैरात करें ये गेम हर तरह से करनी पड़नी है ये ट्रायल ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायल बनवा दे जरा यार बस करे भाईजान भाईजान मोहल्ला बदल लिया साथ वाली गली भी छोड़ दी है गेम यहां तक पहुंच गई क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायल बनवाए सारे भाई रेडी रहेगा एक एक फिगर बताइएगा आप भी बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सर जी अगर आज तक आज अब हमें ट्यूसडे हो गया अगर आज तक आपका काम ठीक नहीं है तो आगे तो बड़ा गेम बढ़नी नहीं तो गेम यही खत्म हो जानी है स्टेटमेंट जी सामने हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ मैं ले लूंगा हाँ जी हाँ जी हाँ मैं पता कर लूंगा मैं ले लूंगा अच्छा ठीक अच्छा ठीक है ठीक ओके अच्छा ठीक
अच्छा ठीक ठीक हाँ जी हाँ जी ठीक अच्छा ठीक ठीक ओके अच्छा ठीक ठीक अच्छा ठीक ये बड़ा था क्वेश्चन नंबर थ्री का ट्रायल बनवा दीजिए बनाया क्वेश्चन नंबर थ्री का ट्रायल बनवा दें। अच्छा बड़ा इन ट्रायल बैलेंसेस की बेस पे ना कल एक दो मैंने डिस्कशंस करनी है, अब अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं किया हुआ तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ट्रायल कम से कम ऐसे देख के बना लो। बेटा बस किया करें यार, एक ही बात बार बार रिपीट करते मुनासिब नहीं लगता, आप लोगों ने तो लगता कसम ही खा ली। प्लीज फिगर्स लिखे अगर किसी के पास लेजेस नहीं है, आप शुरू करें जरा। सबसे पहले किसका बैलेंस है? क्वेश्चन नंबर थ्री जो भाई चिंगम जब आ रहे हैं बात करूं बेटा, सबसे आगे हो, कहानी शुरू नहीं। टू थ्री थ्री टू फाइव जिन्होंने किया हुआ कहानी चेक करना कैपिटल, बस कोई एक बार लिखवा दे मुझे, बाकी आप चेक कर लो कैपिटल 30,000 कैपिटल बस बोलते रहे, कोई नहीं ऊपर नीचे हो जाएगा, वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स है 1280 क्रेडिट परचेजेस परचेजेस सर 3535 फिक्सचर्स 2250 कैश टर्न सेल्स 5280 क्रेडिटर वाहिद 1710 क्रेडिट स्टेशनरी 405 डेबिट जस्ट अ मिनट स्टेशनरी के बाद क्या बता रहे 405 परचेज रिटर्न्स 345 परचेज रिटर्न्स 345 रेंट इनकम 75 रेंट इनकम 75 नहीं 75 होगा रेंट इनकम 75 ठीक है आगे डेटर एसेट 1155 मोटर वैन 4500 डेबिट वेजेस एक्सपेंस 2925 ड्रॉइंग्स 660 रेंट एक्सपेंस 125 आपने सर जी रेंट एक्सपेंस और रेंट इनकम का लेजर इकट्ठा बना दिए और देर पर आपका नेट रेंट एक्सपेंस 50 रहेगी, आपने रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस का लेजर इकट्ठा बना दिया।
उसी के अंदर लिख दिया ना डेबिट का एक साइड में, जिसके 50 डेबिट बैलेंस हो गया। और सर ये इकट्ठा बना दी, गलत कह रहा, यही तो कह रहा हूँ। रेंट इनकम का कैश, रेंट एक्सपेंस का कैश और रेंट इनकम का बैंक आपने इकट्ठे लेजर में पोस्ट कर दिया है। कैंडी जिन लोगों ने प्लीज बनाया हुआ एक दफा जरा मेरी फिगर दोबारा देख लीजिएगा प्लीज, जरा कैंडी जरा देख लें यहाँ पे, बाकी भी मैं बता देता हूँ जो लोग बना रहे हैं प्लीज जरा पहले ऊपर वाली फिगर देख लो, एक मिनट जरा दोबारा चेक कर लें यहाँ तक जो लिखी है जो लोग बना रहे हैं, बाकी मैं फिर नीचे कर लेता हूँ। रेंट इनकम तक देख लें 75, बाकी फिर मैं दिखाता हूँ, दोबारा चेक कर लें ये ठीक है। स्टेशनरी का 405 मेरा ख्याल है ठीक लग रहा है, मार्च 14 देखो 405 एक ही ट्रांजैक्शन है, ये अपना पेज ले, ये पेज ले लीजिए 14th मार्च पे एक ही फिगर है 405 ये ठीक है। चलो आगे फिर बाकी देख ले लास्ट फिगर्स। इनकम और रेंट दोनों का आना बेटा, रेंट इनकम इनकम है, रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, हर अकाउंटिंग हेड का अलग लेजर है बेटा। जो हजरात साथ साथ नहीं पढ़ पा रहे आपके साथ एक्सक्यूज हो सकता है, ये तो अभी बहुत बेसिक्स है, अभी तो अभी हमने शुरू ही कुछ नहीं किया है, अगर आप यही काम नहीं कर रहे तो आगे आपने क्या चलना है। सबका ध्यान साथ वालों के साथ मजाक करने में है, एक भाई इस तरह से सारी क्लास से मजाक करता रहा पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से कि मैंने कहा शायद उसने कंप्लीट किया हुआ, जब भाई पे नजर पड़ी तो भाई ने शायद शुरू ही नहीं किया हुआ, लेकिन वो तो मजाक कर करके थक चुका है, कभी नीचे गिर रहा था कभी उठ रहा था, कभी डेबिट साइड देख रहा था कभी क्रेडिट साइड देख रहा था, खुद सेंटर लाइन पे खड़ा था और अपना उसका ट्रायल आउट है। तो बुरा ना मनाइएगा इस बात को, मैं शायद जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पा रहा। अगर सर जी हम यहाँ तक साथ साथ नहीं है तो हम क्लास में आकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेहतर है जो आप करना चाह रहे हैं वो क्लास का भाई ज्यादा अच्छा कर लेंगे। मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ यार प्लीज ना बातें करें, मैं डिस्टर्ब करूंगा सर बहुत ज्यादा आपको और आप भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, प्लीज किसी तरह कोशिश करें अगर पिछला कुछ रह गया है तो उसे कवर कर लिया जाए, बस आज, आज के बाद नहीं आज का आज ही, ये ठीक है सर फिगर्स जी टोटल कर दें सर 38,690। अपने क्लासेस स्टार्ट तो कर ली है, क्लास लेना शुरू कर तो दी है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि क्लास शुरू हो गई बस खुद ही एंड हो जाएगी, इसने हो तो जाना है अगर जिंदगी रहेगी मेरी, अगर मेरी जिंदगी रहेगी तो इसने इंशाल्लाह मुक्त तो जाना ही है, लेकिन मेरी अकेले की कंपनी खत्म होने का मुझे शदीद खतरा महसूस हो रहा है, आपको भी यही तो नहीं हो रहा ना कीजिएगा सर मैं रियलाइज करवा सकूंगा इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं होगा। आई होप कि मेरा मैसेज लाउडली क्लियर है ये डियर। अब हमने चार लेजर्स बना लिए सर, सॉरी चार ट्रायल बैलेंसेस इकट्ठे कर लिए, अब इन चार ट्रायल बैलेंसेस से हमने कुछ सीखने की कोशिश करनी है, तो ट्रायल नंबर 1 अपने सामने रखो। क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रायल जरा सामने रख लें और सारी बातें छोड़ दें, टोटल्स बाद में देख लीजिएगा, छोड़ दें बेस्ट यही रहेगा कि अपना आंसर रख लें सामने। मैंने इसलिए रखा हुआ कि जरा चंद बातें मैं भी बीच में आपके सामने कर सकूं। इन ट्रायल बैलेंसेस को बनाने के बाद सर एक अकाउंटेंट की नजर से जरा हम इन फिगर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे मेन अकाउंटिंग हेड्स 5 है, नाम गिनवा देंगे जरा, गिनवा देंगे नहीं ठीक है, मैंने वैसे ही सही, बच्चों को 5 हेड्स आते हैं। ट्रायल बैलेंस में इस फर्स्ट ट्रायल बैलेंस में कुछ फिगर्स डेबिट कॉलम में है और कुछ क्रेडिट कॉलम में, डेबिट कॉलम में जो हेड्स आ रहे हैं डेबिट कॉलम में अमाउंट्स जिनकी आ रही है उनके हेड्स के नाम पढ़े इस एंगल से कि इनके मेन हेड्स कौन से, कैश बैंक मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस मशीनरी ये सारे एसेट्स।
इनकी अमाउंट्स डेबिट कॉलम में, एंड पहले सिर्फ वो हेड्स आइडेंटिफाई करें, कैश, बैंक, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस मशीनरी, इसमें सिर्फ एसेट्स आ रहे हैं डेबिट कॉलम में। क्रेडिट कॉलम में जो है कैपिटल, लायबिलिटी एंड क्रेडिटर, फिर लायबिलिटी। तो डेफिनेटली इससे ट्रायल में अभी हमें इनकम और एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे, एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी तो है, लेकिन यहां जरा रुक के एक मिनट अपने जहन में जरा वो डेबिट क्रेडिट रूल वाला टेबल ना है जरा जहन, वैसे ही जहन में ले आपको पता है एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होके बढ़ते हैं और कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होकर बढ़ते हैं। तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट्स डेबिट होते हैं जब बढ़ते हैं। ये डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस हैं, प्लीज बैलेंसेस आ रहे हैं इस ट्रायल में। हमने ये फिगर्स कहां से लिखी है? लेजर से। लेजर में डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस कैलकुलेट हुआ होता है। तो एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंसेस ही होते हैं क्योंकि एसेट्स जब भी अराइज होते हैं डेबिट होकर अराइज होते हैं, और इनकम एक्सपेंसेस सॉरी इनकम लायबिलिटीज और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। दो चीजों के हमेशा आपको डेबिट बैलेंसेस मिलेंगे, कौन कौन से? एसेट्स और एक्सपेंसेस। जो चीजें डेबिट होकर बढ़ती हैं उनके डेबिट बैलेंसेस, और तीन चीजें बोले कौन सी? लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। इनमें अगर इंक्रीज होना है तो इनके फिर क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। अब यहां भी हमें इनकम और एक्सपेंसेस नहीं मिले, एसेट्स डेबिट बैलेंसेस, कैपिटल एंड लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस। यहां तक समझ आ गई बात? अब क्वेश्चन नंबर टू का ट्रायल सामने रखें और आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हमारी तरफ है, बन सके। डेबिट कॉलम पढ़े, बैंक परचेजेस, प्लीज 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 भाईजान बात एक मिनट पढ़े, एकदम मैं कहता हूँ पढ़े, जज्बाती रहते हैं लोग। बैंक के कैपिटल परचेजेस, मेरे भाइयों डेबिट कॉलम में जो अमाउंट्स हैं उनके उनसे रिलेटेड हेड्स पढ़े, बैंक परचेजेस, कैश, डेटर वसीम, मशीनरी, डेटर मुनीर, सेल रिटर्न, ना ना सब जान लो सर, क्रेडिटर लुक मार, दोबारा रिपीट करें, बैंक परचेजेस, कैश, डेटर वसीम, मशीनरी, डेटर मुनीर, सेल रिटर्न, पास। दोबारा एक दफा मेरे से सुना, बैंक बेटा एसेट है, परचेजेस जब की है तो एसेट है, अनलेस बिक जाए फिर मैं आपको दोबारा याद कराऊंगा, छोड़ दें इस वक्त। कैश एसेट है, डेटर वसीम एसेट है, मशीनरी एसेट है, डेटर मुनीर भी रिसीवेबल एसेट है, सेल रिटर्न क्या चीज है ये आपसे नहीं पूछा मैंने, सर्कल लगा, मैंने एक सवाल पूछा जवाब मैंने देना है, सेल रिटर्न की फिगर ढूंढे, एक सर्कल लगा, एक्सेप्ट द सेल रिटर्न, बाकी कंडी गौर से दोबारा देख लें, वंस अगेन सिर्फ एसेट्स ही आ रहे हैं, देख लेते हो दोबारा, एक्सेप्ट सेल रिटर्न, एसेट्स आ रहे हैं, सेल रिटर्न क्यों आ रही है, क्या है ये मैंने बताना। अब आप क्रेडिट कॉलम में, कैपिटल, क्रेडिटर हसीब, सेल्स, परचेज, रिटर्न क्या चीज है ये मैंने बताना है, सर्कल का, और लास्ट में क्रेडिटर, क्रेडिटर लुकमान। अब इस एंगल से दोबारा पढ़ें, कैपिटल आ रहा है, लायबिलिटी आ रही है, इनकम भी आ रही है, सेल इनकम, सेल इनकम, और लास्ट में एक लायबिलिटी फिर आ रही है। तो क्रेडिट कॉलम में कैपिटल भी आ रहा, इनकम भी आ रही है, और लायबिलिटीज भी आ रही है, परचेज रिटर्न भी आ रही, क्यों आ रही, क्या है ये मेरे लिए छोड़ के क्वेश्चन नंबर फोर का ट्रायल ढूंढने पड़ेगा। कैश एसेट हो गया, परचेजेस, बैंक, डेटर इलाही, स्टेशनरी, डेटर मसूर,
सेल रिटर्न पे फिर सर्कल लगा लें, रुक जाए सर जी रुक जाए, सेल रिटर्न पे सर्कल लगा के फिर व्हीकल एसेट मोटर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नजर आना शुरू हो गए, फिक्स्चर एसेट नजर आना शुरू हो गया और रेंट एक्सपेंस भी डेबिट नजर आना शुरू हो गया। अभी स्टाइल को दोबारा देखें, डेबिट कॉलम में आपको एसेट्स भी नजर आ रहे हैं और एक्सपेंसेस भी नजर आ रहे हैं और सेल रिटर्न क्या है ये मेरे लिए हो गया। क्रेडिट कॉलम में जाए, कैपिटल नजर आ रहा है, इनकम नजर आ रही है, परचेज रिटर्न पे सर्कल लगा लें, क्रेडिटर उसामा मींस लायबिलिटी नजर आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायल देखें, बैंक नजर आ रहा है, परचेजेस हैं, फिक्सेस हैं, कैश है, स्टेशनरी ना 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 डेटर असद हो सकता है, सीक्वेंस डिफरेंट आपका, डेटर असद मोटर वैन वेजेस एक्सपेंस ड्राइंग्स मेरे लिए छोड़ के सर्कल लगा लें और रेंट एक्सपेंस एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग्स या एसेट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं, दोबारा देख लो, किसी हेड में कंफ्यूजन देख ले तसल्ली से देख, डेबिट कॉलम में या एसेट्स है या एक्सपेंसेस है एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग्स जो मेरे लिए हो गया। क्रेडिट कॉलम में आ जाए, कैपिटल है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स हैव, इनकम है, फिर लायबिलिटी है, परचेज रिटर्न्स पे सर्कल लगा लें और रेंट इनकम का हमें पता है, इनकम रेंट इनकम। तो तीन चीजें ऐसी हैं जिनके हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस होंगे और दो चीजें ऐसी हैं जिनके हमेशा डेबिट बैलेंसेस होंगे। इनकी एक लिस्ट बनाएं जरा, जहां भी आपके पास सब स्पेस है, मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 3 का एंड में ट्रायल बना सबसे, उसके नीचे दो सेंटेंसेस लिख दें, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जहां भी आपका स्पेस है, तो ट्रायल जहां भी एंड हो रहा है, जहां ट्रायल्स बन गए हैं उसके नीचे जगह चाहिए, दो लाइन चाहिए, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंसेस होंगे, वाय क्योंकि हमारा डेबिट का रूल ही क्या है, एसेट या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे अगर तो डेबिट ही होंगे, तो डेबिट ही होंगे। मसलन मैं आपसे कहूँ मशीनरी खरीदी, मैं आपसे कहूँ खर्चा हो गया, खर्चों के और एसेट्स के हमेशा, इन अदर वर्ड्स मेरी बात का मतलब ये है कि अगर कभी भी हम ट्रायल बैलेंस देख रहे हो तो ये कोई एसेट रैंडम देखने की जरूरत नहीं, हम अकाउंटेंट्स को कैसे देखनी चाहिए, अगर हमने एसेट्स ढूंढना है तो वी शुड लुक एट द फिगर्स इन द डेबिट कॉलम, एक्सपेंसेस ढूंढने हो तो डेबिट कॉलम, लेकिन अगर कैपिटल इनकम या लाइबिलिटीज ढूंढनी हो तो डेबिट कॉलम में देख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें किस कॉलम में देखना चाहिए, लिखें जरा, इनकम्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंसेस। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो जब बराइज होंगी बढ़ेंगी तो ये क्रेडिट होती है, ये तो टेबल तो एटलीस्ट जहन में है ना, डेबिट क्रेडिट टेबल, एनी कंफ्यूजन बारो। अब मैंने तीन सर्कल लगाए हुए, तीन तरह की चीजों को सर्कल लगाए, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और एक ड्रॉइंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रायल में दोबारा दो, अगर मैं इस डिस्कशन में कुछ ऐसी बातें करूं जिनके बारे में मेरा और आपका ओपिनियन बना के हमें लिख लेना चाहिए तो हम लिख लेंगे, आपका इस वक्त फोकस ही होना चाहिए कि जो बात हो रही है उसको समझ। देखिए बेटा, परचेजेस रिटर्न्स हैं क्या, परचेज रिटर्न से चले गेम शुरू करना, परचेज रिटर्न का मीनिंग क्या है, परचेज रिटर्न है क्या, आप मुझे बताएं परचेजेस से मीनिंग क्या, गुड्स आ रही, तो
परचेज रिटर्न्स क्या चीज है, उड़ जा रही है। अब देखिए अगर परचेज हो रही है तो परचेज तो डेबिट है, चीजें आ रही हैं, तो क्या अगर चीजें जा रही हैं तो फिर परचेज में क्रेडिट ही होगा। तो परचेजेस हमेशा आपको किस कॉलम में मिलेंगी, डेबिट कॉलम परचेजेस। मैंने पूछा परचेजेस, आपने मेरे जवाब दे दिए परचेज रिटर्न्स का। परचेजेस हमेशा किस कॉलम में होंगे, डेबिट, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट कॉलम में इसलिए होंगी क्योंकि परचेज रिटर्न्स मींस रिडक्शन इन परचेज, नथिंग एल्स। मैं लिखवाऊंगा साथ, मैं अगर आपसे कहूं कि परचेज रिटर्न्स बढ़ रही हैं तो आपको इससे क्या समझ आना चाहिए, मैं ही बताता हूं, मैं ही बताता हूं। मतलब मैंने एक सवाल पैदा किया है और उसका जवाब आपके क्या ध्यान में आना चाहिए वो मैं बताने लगा। मैं अगर आपसे कहूं परचेज रिटर्न्स बढ़ रही हैं तो इसका बेटा अल्टीमेट इफेक्ट ये होगा कि परचेज कम हो जाए, परचेजेस अगर रिटर्न हो जाएंगी तो हमारे जेहन में स्टोरी क्या बननी चाहिए कि परचेजेस ने कम हो जाए, तो परचेजेस ने बढ़ के डेबिट होना तो कम होने की वजह से इसने क्रेडिट ही होना। तो वाई परचेज रिटर्न इज इन क्रेडिट कॉलम, ये कोई इनकम नहीं है, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये कोई कैपिटल नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन परचेज, इट रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन परचेज, देयरफॉर इट इज अ क्रेडिट फिगर। ठीक है मेरा सेंटेंस, तो अगर लिखना चाहें तो एंड में लिखें। अब आने जरा सेल रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स को कैसे सोचें, पहले सेल जहन में लाना, सेल अगर बढ़ रही है तो ये इनकम है, तो सेल है तो क्रेडिट होगा, तो सेल रिटर्न मींस डिक्रीज इन सेल। बोले रिपीट करें क्या पढ़ बोला, डिक्रीज इन सेल और बस, इट इज नाइदर एन एसेट नॉर एन एक्सपेंस। अब क्योंकि सेल क्रेडिट होकर बढ़ती है और सेल रिटर्न से सेल ने कम होना है, इसलिए सेल रिटर्न हमेशा ट्रायल में कहां मिलेगी, डेबिट कॉलम में। परचेज हमेशा कहां मिलेगी, परचेज, देयरफॉर परचेज रिटर्न्स, क्योंकि परचेज रिटर्न मींस डिक्रीज इन परचेज, डिक्रीज इन परचेज। सेल्स कहां मिलेंगे, और सेल रिटर्न्स का मतलब होता है डिक्रीज इन सेल, तो देयरफॉर ये हमेशा डेबिट होगा। देन क्वेश्चन नंबर फोर में भी यही चीजें थी, नहीं क्वेश्चन नंबर फोर में यही थी, थ्री में वो थी, वो वहां नहीं थी, फोर में वो नहीं थी, फोर में वही दो चीजें हैं जो अभी डिस्कस हुई। अब थ्री में वो एक और चीज है जो क्वेश्चन नंबर टू और फोर में नहीं है, और वो कौन सी चीज है, साइलेंट ड्राइंग स्कोर। जी डियर, ड्राइंग्स की स्टोरी आपको शायद पहले भी पता है, ड्राइंग्स का लिंक हमेशा कैपिटल के साथ, तो कैपिटल बेटा जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स का मतलब ये है कि कैपिटल कम हो रहा है, मतलब ठीक है वो जिसका भी हमने करना, ड्राइंग्स के होने से अल्टीमेट इफेक्ट क्या होना, तो कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होता, और ड्राइंग्स की वजह से क्योंकि कैपिटल कम होना है इसलिए ड्राइंग्स हमेशा डेबिट आपको नजर आए। तो सेल रिटर्न मींस डिक्रीज इन सेल, परचेज रिटर्न मींस डिक्रीज इन परचेज, एंड प्लीज ड्राइंग्स मींस डिक्रीज इन कैपिटल, एंड दैट्स इट। आइए लिखे, परचेज रिटर्न्स मींस, तीन सेंटेंसेस बनाना, डिक्रीज इन परचेज, परचेज रिटर्न्स मींस डिक्रीज इन परचेज,
और फाइनली जरा इस तरह कर दूं, जरा बात शायद पूरी हो जाएगी, जरा एक मिनट बोर्ड देखें। देयर फॉर देखे सर जी, देयर फॉर क्रेडिट, इसका समझेंगे क्या काम है। परचेज रिटर्न्स मींस डिक्रीज इन परचेज एंड देयर फॉर क्रेडिट, क्या चीज देयर फॉर क्या चीज क्रेडिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। इसी तरह तीन बना, सेल रिटर्न्स मींस डिक्रीज इन सेल्स देयरफॉर डेबिट, क्या सेल सेल डेबिट सेल रिटर्न डेबिट। नंबर थ्री, ड्रॉइंग्स मींस डिक्रीज इन कैपिटल देयरफॉर डेबिट। व्हाई नहीं, मैंने बाय कहा, बाय कहा क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होकर पड़ता है, तो डिक्रीज मींस डेबिट हो, नथिंग एल्स प्लीज, नथिंग एल्स। क्या सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ड्रॉइंग्स, ये कोई इनकम्स हैं, ये एसेट्स हैं, ये क्या है, ये इस तरह कुछ नहीं है, ये क्या है। परचेज रिटर्न मींस डिक्रीज इन परचेज, इनका लिंक ऑपोजिट है अपने हेड से। सेल रिटर्न मींस ड्रॉइंग्स मींस, मैं कभी सेल रिटर्न बोलूं तो आपके जहन में सिर्फ सेल आनी चाहिए कि मैं सेल की कमी की बात कर रहा हूं। परचेज रिटर्न बोलो और कभी मैं ड्रॉइंग्स बोलो, आई होप के बाद आप एब्सोल्युटली क्लियर। अब्दुल रहमान साहब एक पेज डिस्ट्रीब्यूट करना, अब्दुल रहमान साहब जाइए। एक पेज आपके पास आएगा, कर ली जरा एक एक लेके जरा बाकी पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सर आते आते कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आते आते जाते ये पेज नीचे पहुंच गया, ये जरा व्हाट्सएप भी करना तो मुझे भी कॉल कर। सर अब्दुल रहमान छह को साला मनसूबा लग रहा मुझे, ये मेरा भाई उधर से शुरू कर, इस तरह ना करिए। पेजी से ने थोड़े से क्यों उठाए और पढ़े, ये पेजेस पढ़े बेटा पीछे इधर रखो बस, ये पूरा हो जाए। ये अगर नीचे बेटा कोई कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अगर नीचे एक्स्ट्रा बचे तो ऊपर दे दीजिएगा। अदाय साहब उधर फाइव रूम में है कोई यार, फिलहाल करनी पड़े एक एक पेज लीजिएगा। अगर कोई भाई आपका दोस्त आज नहीं है तो इंशाल्लाह उसे कल मिल जाएगा। अब मान लो मुबीन उस तरह देखो और आप पेजेस पीछे तक देखो बेटा, एक एक कहानी ले लें, बाकी आपके ही हैं, बाकी भाई को कल मिल जाएंगे, मेरे सामने तो ये ना करें। जितने बचे वो आप ही के हैं, फिलहाल एक एक ले। कितने लोगों के पास अभी तक पेज नहीं आया, कहानी बताइए जरा। ये आगे भी एक रह मुबीन जरा देखो, तो मुबीन जरा पकड़ के करना डिस्ट्रीब्यूट है, ये कंडी आगे दे दे जरा, एक पेज आगे पकड़ा दीजिए, एक पेज जरा आगे पहुंचा दे जरा, जिनके पास पेजेस नहीं कंडी बता देना बेटा पीछे तो रह गए। कहीं एक्स्ट्रा पेजेस हैं तो कंडी आखिरी लाइन तक पहुंचा दें, लास्ट लाइन तक पहुंचा दें, मुबीन पकड़ लो जो एक्स्ट्रा, ये आगे एक साहब रह गए इधर, आपके पास आगे पेज। एनी बड़ी पेजलेस यार, ये मुबीन आके खोला था,
आजा आजा छोड़ दो बस। मुबीन आ जाओ यार, ये व्हाट्सएप करना जरा यार, आ जा बस, बाकी ले लेंगे बस। अब तो रिमांड किधर, ऊपर आ जाओ यार, जहाँ भी हो। नहीं फोटो कॉपी अपनी करानी होगी। ये नीचे पूरे हो गए पेजेस, ऐसा पेज पूरे हो गए, क्लास में सारे हो गए। ये दूसरे रूम में कौन सा था, ये व्हाट्सएप कौन सा, अब्दुलमान कॉपी ना कर वहीं आ जा, अब्दुलमान कॉपी ना करवाना, आ जाओ। ये हदायत है अब्दुलमान से, ऊपर आ जाए, कॉपी ना करवाए, जाना जरा नीचे पड़ो कॉपी करवा, जल्दी से आओ। अब लो बेटा ये पेज आपके पास आया, कर लिए इतना जरा पढ़ना शुरू करें, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज लिखा होगा, बस करें बातें छोड़े, कर लिख मुझसे पढ़ा, अभी आपके साथ डिस्कस करूं। बस पेजेस की जरूरत नहीं है यार, करवा ली है, ये वाला करवा जरा जल्द से, छोड़ दे बाकी, अब कितनी हुई है कॉपी, ये वाला करवा। अब अप्रोक्सीमेटली जितनी हुई है ये वाला रख दे बस, ये वाला करो, अब कितनी हुई है, इसको निकाल दो सारी, बस मैक्सिमम उतने करवा, क्योंकि ये भी बच गए, तो 80 करवा ले बस, तो 80 हो गए, ये खोलो। एक बार पढ़ना शुरू करें बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए क्या लिखा हुआ, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ग्रुप में आ जाएगा, ये
नहीं सही हां हो गया तो सही टाइम पे बोल मैंने बंद कर ये आवाज का भी जरा पता सही करके जाना तो क्या मसला है एक बार चलो बीन करो आगे आप बोलिए चले बेटा इस तरह की जगह पेज अभी खुल नहीं रहा आपके सामने तो ये पेज कल पढ़ेंगे लेकिन एक मिनट बैठे रहिए जरा आपको एक पेज अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा पेज हो गया कॉपी हो गया नीचे चलेंगे ये इस पेज पे तीन क्वेश्चन है नहीं सर जी इस पे कोई सवाल नहीं है सर इस पे कौन सा दो सवाल ढूंढनी है आपका भी बेटा पेज एक मिलेगा मेरा ख्याल चलो डिस्ट्रीब्यूट ही कर दो ये पेज बेटा मिलेगा इसमें तीन क्वेश्चंस है इसमें जो तीन क्वेश्चंस है आप इस तरह करें दो क्वेश्चंस जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू ये काइंडली अब आपकी एक असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं मैं इसमें आपने क्वेश्चन नंबर वन और टू दोनों के जर्नल लेजर्स और ट्रायल तक कंप्लीट करना और मुझे आपने सेपरेट पेजेस पे करने हैं आपने तो कल अपना ये पेजेस सेपरेट पेजेस मुझे सबमिट भी करना है फर्स्ट टू क्वेश्चंस कह रहा हूँ तो थर्ड है वो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं तो पहले दो क्वेश्चंस सब लोगों ने सेपरेट पेज पे सॉल्व करके मुझे कल सबमिट करवाना तो पेज कार्ड लेके रहेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा अभी व्हाट्सएप इंशाल्लाह हो जाएगा तो ये जो पेज है बाकी तो अभी पहले मिला ये संभाल के रखिएगा कल डिस्कस करेंगे तो पेज आप लेके जाइएगा जरा डिस्कस करेंगे जिन हजरात को पेज अगर ना मिले वो जाते बाइस जर्नल भी लेजर भी और ट्रायल भी दोनों के जर्नल लेजर्स एंड ट्रायल असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ और अब्दुलरहमान ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनका नंबर भी सेंड करवाना जिस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो बेटा मैं आपको व्हाट्सएप भी करता हूँ अपने अपने पेजेस व्हाट्सएप करने बाद पहले पेज इंश्योर करना पेजेस एक्स्ट्रा रख ले एंड में खड़ा
कंप्लीट जिनको पेज नहीं मिला वो पेज लेके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। वो आवाज का इशू रिजॉल्व करवा के जाना, ये वाला नहीं है। बैक साइड